राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है उमंग श्रृंखला के अंतर्गत 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यक्रम वन बचाएं। अमित बेटा। जी मां। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दादाजी और सोनिया दीदी के पास जाकर बैठो। ठीक है माँ। और हाँ, देखो उन्हें तंग मत करना। अच्छा माँ, मगर तुम जल्दी आना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगी, तुम जाकर खेलो। अच्छा माँ। सोनू दीदी बोलो, ये देखो मैंने शेर का चित्र बनाया है। अरे वाह, इतना सुंदर। अरे वाह भाई वाह अमित, अरे तुमने तो शेर का चित्र बहुत अच्छा बनाया है। शेर तो जंगल का राजा होता है, पर अमित तुमने जंगल तो बनाया ही नहीं। अरे हाँ सुनू दीदी। हाँ, ये जंगल कैसा होता है? जंगल जंगल हमारे गांव के पास ही है बेटे। बिल्कुल ठीक। देखो जंगल का मतलब दूर दूर मीलों तक घने पेड़ पौधे झाड़ियां, समझे? हाँ। इसमें ढेर सारे जंगली जीव जंतु जैसे बाघ, हिरण, हाथी, हाँ सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं। और जंगल इन सभी जीवों का घर होता है ना दादाजी? बिल्कुल सही सोनिया बेटी। दरअसल जंगल यानी वन हमेशा हमारे लिए वरदान रहे हैं। अच्छा, समझे? हाँ, ये प्रकृति का उपहार है। आज बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के कारण वनों का महत्व और भी बढ़ गया है। अच्छा दादाजी। हाँ भाई, अगर वन न हो तो हम सब पर संकट छा जाएगा। हाँ, और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण ये क्या होता है दादाजी? अरे बेटा, पर्यावरण हमारे आसपास के वातावरण को कहते हैं, समझे? जैसे हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, पेड़, पौधे, ये सब कुछ। अगर ये प्रदूषित हो जाएं, यानी गंदे हो जाएं, तो उसे पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं, समझे? हमारे ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, वो कैसे दादाजी? भाई जैसे गंदा पानी पीने से अनेक बीमारियां होती हैं, वैसे ही प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस संबंधी बीमारी हो जाती है। अच्छा। और बेटे, अगर वन ना हो तो सभी जीवों का जीना दूभर हो सकता है। वो कैसे दादाजी? सुनो, वन वातावरण प्रदूषित होने से बचाते हैं और हमें शुद्ध हवा देते हैं। अच्छा। हाँ, पेड़ पौधों के अंदर जो नमी होती है वो वर्षा कराने में सहायक होती है। अच्छा। भाई इन सब के अलावा वनों से हमें ढेरों कीमती सामान भी मिलते हैं। जैसे अनेक जड़ी बूटियां, फल, लकड़ी, रबर, गोंद और पत्तियां और पेड़ों की छालें, जिनका उपयोग हम दवा, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ आदि के रूप में करते हैं। अच्छा दादाजी, वन इतने उपयोगी हैं, फिर इनका विनाश क्यों हो रहा है? अरे बेटे, इसके बहुत से कारण हैं। जैसे हमारे देश में जनसंख्या ज्यादा हो गई है। अच्छा। लोगों के पास रहने की जगह कम पड़ने लगी है। और भाई लोगों को रहने के लिए जगह तो चाहिए, इसलिए लोग वनों को काटकर अपने रहने की जगह बना रहे हैं। अच्छा। हाँ,
बड़े-बड़े कारखानों के लिए भी जगह की जरूरत है। अच्छा। इसके लिए भी वन काटे जाते हैं। अच्छा। और पेड़ों की लकड़ियां आज भी ईंधन का प्रमुख साधन है। इसके अलावा झूम खेती से भी वनों का विनाश हो रहा है। अच्छा दादाजी। दादाजी ये झूम खेती क्या है? देखो बेटा, झूम खेती हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है, समझे? भाई इस प्रकार की कृषि में लोग भूमि के एक टुकड़े पर कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरी जगह वनों को साफ कर खेती करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं? हाँ, इसके कारण नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में वन लगातार कम होते जा रहे हैं। दादाजी, इन वनों को बचाया कैसे जाए? अरे बेटा, वनों को तो हम कई तरीकों से बचा सकते हैं। वो कैसे? जैसे ईंधन के लिए लकड़ी का प्रयोग न कर कोई अन्य वस्तु जैसे गोबर गैस, प्राकृतिक गैस और सौर ऊर्जा का उपयोग करें। अच्छा। हाँ, और इमारत और फर्नीचर में लकड़ी का उपयोग न करके फाइबर, शीशे, लोहे का उपयोग कर सकते हैं। दादाजी, बोलो बेटे। हम पेड़ काटने से पहले पेड़ लगा भी तो सकते हैं। अरे वाह वाह अमित भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटे। सोनिया बेटी। हाँ जी। देखो जरा कौन आया है। हाँ दादाजी, मैं अभी देखती हूँ। अरे रेंजर चाचा, आप आइए। नमस्ते। नमस्ते बेटी, नमस्ते। काका नमस्ते। अरे भाई रेंजर, आओ आओ भाई, और सुनाओ कैसे हो? आओ आओ, इधर आओ, इधर। सब ठीक है काका। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, और सुनाओ बच्चों, दादाजी से क्या बातें हो रही थी? हम जंगल के बारे में बात कर रहे थे चाचा जी। अच्छा। रेंजर चाचा, आप तो जंगल में रह चुके हैं। हाँ। आप हमें बताइए कि वनों को बचाने के लिए लोगों को कैसे बताया जाए? बच्चों ये बातें अनेक तरीकों से बताई जा सकती हैं। वो कैसे? जैसे टीवी, रेडियो पर वनों के महत्व को बताकर, अखबारों में वनों के महत्व पर लेख लिखकर, और पोस्टर बैनर के जरिए वन बचाने का संदेश देकर। अच्छा चाचा जी, वनों को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है? बच्चों, पेड़ों को बचाने के लिए अनेक आंदोलन हुए हैं। अच्छा। वर्षों पहले उत्तराखंड के लोगों ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। इसमें गांव के सभी लोगों ने पेड़ों से चिपक कर उन्हें कटने से बचाया। देखा बच्चों? हाँ दादाजी। ठीक इसी प्रकार कर्नाटक के सिरसी जिले के सालकड़ी गांव के निकट एक जंगल में अप्पिको आंदोलन शुरू हुआ। वहां वन विभाग ने जब पेड़ काटने शुरू किए तो गांव के स्त्री, पुरुष और बच्चे पेड़ों से चिपक गए। अच्छा। इससे मजबूर होकर पेड़ काटने का काम रोकना पड़ा। देखा? इसी तरह राजस्थान के खेड़जली गांव और उत्तरकाशी क्षेत्र के तिलाड़ी गांव के लोगों ने वनों को बचाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। अच्छा भाई रेंजर, ये बताओ कि इस विषय में हमारी सरकार क्या कर रही है? काका, हमारी सरकार ने भी वनों को बचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। वो कौन सी कदम है चाचा जी? जैसे बिना इजाजत पेड़ काटने वालों को जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ती है। अच्छा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वनों की कटाई पर नजर रखता है, और इसके अलावा सरकार ने सामाजिक वानिकी नाम की एक योजना भी बनाई है, जो अब कई जगह चल रही है। इस योजना के तहत लोगों को ये बताया गया है कि गांव के लोग
खुद पेड़ लगाएं। अच्छा। और वन काटने के बजाय इन्हीं पेड़ों से अपनी जरूरतों को पूरा करें। अच्छा। और झूम खेती करने वालों के लिए सरकार ने एक स्थायी कृषि प्रणाली बनाई है ताकि लोग झूम खेती छोड़ दें। अच्छा, अच्छा। इन सब के अलावा जंगलों की रक्षा से संबंधित शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए हमारी सरकार ने अनेक शिक्षण संस्थान भी खोले हैं। अच्छा। जैसे वन अनुसंधान संस्थान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। चाचा जी। हाँ बेटा। फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को बताऊंगा कि वन कितने जरूरी हैं। शाबाश। हाँ, और मैं भी अपने हर एक जन्मदिन पर एक पेड़ लगाऊंगी और अपने सभी साथियों को भी पेड़ लगाने को कहूंगी। बहुत अच्छे। अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बगीचे में चलकर इसकी शुरुआत आज ही से करें। चलो चलो। मैं भी पेड़ लगाऊंगा। हाँ मैं भी। आओ पेड़ लगाएं हम, जीवन को महकाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम, जीवन को महकाएं हम। हरियाली हो जाए धरती, हरियाली हो जाए धरती, मिलकर वन बचाएं हम, मिलकर वन बचाएं हम, मिलकर वन बचाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम, जीवन को महकाएं हम। आओ पेड़ लगाएं हम, जीवन को महकाएं हम। हरियाली हो जाए धरती, हरियाली हो जाए धरती, मिलकर वन बचाएं हम, मिलकर वन बचाएं हम, मिलकर वन बचाएं हम। वन बचाएं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम। विषय संयोजन प्रोफेसर रामजन शर्मा, विषय समन्वय डॉक्टर अमरेंद्र बेहरा, आलेख अतीश पाराशर, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सतीश कक्कड़, राजेश आहूजा, नीतू झांझी, आकाश और मिताली, ध्वनिंकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।